तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे नॉन फिक्शन फिल्म है और फिक्शन फिल्म तो बाकायदा कोई अभी बना रहे हिस्टोरिक फिल्म है लेजेंडर फिल्म है क्या क्या रिसर्च करने पड़े आपको कितना चैलेंजिंग रहा ये फिल्म? हाँ ये जो फिल्म है इसका नाम है राग देश और ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज और उस आज़ाद हिंद फौज पे जो ट्रायल हुआ जो जनरल कोर्ट मार्शल हुआ लाल किले में इन सारे मुद्दों पे है ये तो हिस्टोरिकल है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे किताबों में तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने कुछ 8-9 महीने की रिसर्च की और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट ली तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी ट्रू टू वॉट रियली हैपेंड और हमने तो हमारी एक अलग से हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके हर सीन में लिखा हुआ है कि किस किताब से और किस पन्ने से उठाया है कि कहीं कल को खड़ा होकर बोले भाई आपने तो हम उसको बता सकते भाई ये है पर कहीं कहीं हमने कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं जहाँ वो पर्सनल मोमेंट्स हैं कहीं भाई कोई किरदार चाय पी रहा है किसी के साथ तो ये कहीं हिस्टोरिकली किताब में तो लिखा नहीं कि चाय पीते हुए क्या बात हुई थी पर उन उन मोमेंट्स पर हमने थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक करने की वहाँ कोशिश की लेकिन जो बेसिक मुद्दे जो प्लॉट पॉइंट्स हैं उसमें हम एकदम सच्चे हैं। सर बजट की बात करें तो काफ़ी मतलब आज जैसे आर्मी बेस्ड फिल्म में तो काफ़ी लोगों की जरूरत पड़ी है फिल्म में किस तरह का बजट होगा? बजट अच्छा है मैं बजट बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन अच्छा खासा बजट है और लैविश फिल्म है और इंडियन आर्मी से हमने परमिशन ली है अक्टूबर में हम एक 40-45 दिन का बड़ा सा आउटडोर करेंगे जिसमें वॉर सीक्वेंसेज होंगे तो वैसे ये कहना गलत था कि अगर एक्चुअली मैं बताऊँ अगर आपको वॉर पर फिल्म बनानी है तो उतने पैसे की ज़रूरत होती नहीं अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन दे देती है तो फिर वो सारी चीज़ें आर्मी ही करती है तो ऐसा नहीं कि आर्मी फिल्म बनाए तो बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च ज़्यादा पैसा तो यहाँ हमारे यहाँ एक्टर्स ले जाते हैं। ओके जैसे भी देखा जाता है गुमनामी बाबा कहा जाता है क्या इसके अंदर भी आपको नहीं मेरा 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 मैं उस मुद्दे पर नहीं हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी वो जिंदा थे कि नहीं थे ये वो मेरी टेरिटरी नहीं है मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि बाकी में सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या था लोग सिर्फ इसी बारे में इंटरेस्ट रहते थे मरे कि नहीं अरे जब जिंदा थे तब उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में तो लोगों को पता नहीं है उसके बारे में कोई तो बात करता नहीं है हम बात कर रहे हैं। सर डोंट यू थिंक जैसे कि मनोज बाजपेयी थे इरफान खान की नवाज आजकल काफ़ी वर्चुअल लगते रहे डोंट यू थिंक मतलब कैरेक्टर के लोग काफ़ी अच्छे होते अब वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं अब ये तभी तो ऐसा मौका मिला है ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें मैं अच्छे नए कलाकारों को मौका दूं तभी तो ये नए लोग आएंगे तो फिर नए चेहरे हैं और भी लोगों को उनके साथ काम करने का मैं अब इरफान नवाज मनोज ये तो एस्टैब्लिश बड़े एक्टर हो ही चुके हैं। चलिए बारिश हो गई अब तो तक लिया शुक्रिया थैंक यू सर मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था एक ऐसी पीरियड फिल्म मुझे मिले एंड आई एम लकी टू हैव इट उससे और भी बड़ी बात यह है कि दिस फिल्म इज़ अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड एक बहुत बड़ी आर्मी जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी इंडियन नेशनल आर्मी उस पर ये पिक्चर बेस्ड है और इन 3 अफसर्स पे पिक्चर बेस्ड है जो यू नो प्रेम सैगल का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ एंड यू नो ये स्टोरी सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट दिस स्टोरी लोगों ये पता नहीं कि आईएनए की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी सो टू बी इन अ पोजिशन इतनी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं टू बी अ पार्ट ऑफ इट आई एम वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे बुक्स पे जो इनके रिलेटिव्स हैं उनसे मिलके जितना कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते थे हमने वो हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे एंड वी होप दैट यू नो इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस एंड आई वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे पास तिग्मांशु धुलिया जैसे डायरेक्टर हैं जो एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं और उनका यू नो ऐसी खासकर इन टाइप की पिक्चरों में उनकी मास्टरी है सो इट विल बी अमेजिंग एंड आई एम हैप्पी दैट मेरी सेकेंड फिल्म तिग्मांशु धुलिया के साथ है और मेरे को इतना इम्पोर्टेंट रोल और मिस्टर अमित साथ जो हैं यहाँ पे जो इनको इनके पास आप ज़रूर नेक्स्ट जाइए ये आपको कुछ और डिटेल बताएंगे आइए सर आप आइए ज्वाइन हो जाइए सो ये मेरा जिम पार्टनर है हम लोग एक सेम जिम में जाते हैं तो अब हमारी कास्टिंग जिम में ही हुई थी हाँ बस लवली टॉकिंग टू यू गुरबख्श सिंह ढिल्लों का कैरेक्टर निभा रहे हैं एंड आई एम प्लेइंग मिस्टर प्रेम सैगल एंड कुणाल कपूर इज प्लेइंग शाहनवाज सो आई थिंक इट्स यू नो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन आई फील इंडिया में दिस इज अ स्टोरी विच नीड्स टू गेट आउट एंड आई एम एक्साइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट आपको
अगर मेरा कंपैरिजन जो लोगों ने महान सोल्जर के रोल निभाए अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरी सिर्फ दूसरी पिक्चर है और अगर यू नो इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स में सोल्जर्स का रोल निभाया है तो अगर दैट हैपेंस इफ पीपल कंपेयर द वर्ल्ड थैंक यू आई थिंक बहुत अमेजिंग निर्देशक है हम सब उनकी फिल्में देख चुके हैं और मैं ऑलरेडी उनके साथ दो पिक्चर कर चुका हूँ जो रिलीज होने वाली हैं एंड सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग फॉर मी एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिक है तो इसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस और इसका एक अलग किस्म का चैलेंज होगा सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट क्रिटिसिज्म तो लाइफ में ही होता है मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कोई आदमी कहेगा ये ऐसा क्यों पहना है उसने घड़ी क्यों पहनी है उसने कैप क्यों पहनी है हंस क्यों रहा है सीधा क्यों है इतना सीरियस क्यों है यू नो आपने माइक ऐसे क्यों पकड़ा है ऐसे क्यों नहीं पकड़ा है तो क्रिटिसिज्म तो आप जब से पैदा होते हो मरने के बाद भी क्रिटिसिज्म ऐसे क्यों मरा इतने कम लोग क्यों आए थे इतने ज़्यादा लोग क्यों आए थे एंड स्पेशली एज एन आर्टिस्ट ऑन अ सीरियस नोट यू वॉन्ट रिएक्शन समटाइम्स विल बी क्रिटिसाइज समटाइम्स आपकी सराहना होगी एंड यू टेक इट विद अ स्माइल हाँ सोल्जर भी आई थी एक सोल्जर जी देखिए ये फिल्म हिस्टोरिक फिल्म है 1950 की है सो हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए एंड एक हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्पेशली टिशू सर पे तिग्मांशु सर पे कि किस तरह उस दौर को यू नो स्क्रीन पे पर्दे पे किस तरह जीवित लाया जा सके हम लोग की ये जिम्मेदारी है एज एक्टर्स कि हम यू नो कितनी शिद्दत से कितनी मेहनत से सच्चाई से जो हम कैरेक्टर्स निभा रहे हैं उनको बिलीवेबल दिखा सकें स्क्रीन पे सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड इट्स अ चैलेंज वर्थ वर्किंग हार्ड फॉर मेरी प्रिपरेशन अभी चल रही है और आई होप बाय द टाइम वी स्टार्ट शूटिंग एंड डूइंग दोज कॉम्प्लेक्स सीन्स आई एम रेडी मैं काफ़ी नर्वस हूँ थोड़ा परेशान भी हूँ क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो पंजाबी बोलता है और मैंने पंजाबी कभी लाइफ में बोली नहीं है सो थोड़ा डायलैक्ट को लेकर डिक्शन को लेकर मेरी मेहनत चल रही है एंड ही इज़ कैप्टन गुरुबख्श ढिल्लो वन ऑफ द थ्री पीपल हु आर अक्यूज इन दीज केसेस एंड सबसे अमेजिंग चीज़ इस कहानी की ये भी है कि ये पहली बार है कि तीन लोगों को सेंटेंस किया गया था सज़ा सुनाई गई थी लेकिन सज़ा दी नहीं गई थी क्योंकि उस समय जो देश पूरा एकजुट हो गया था और अंग्रेज़ जो थे डर गए थे सो अच्छा इट्स गुड ऑल्सो फॉर द यूथ टुडे टू सी अ फिल्म लाइक दिस ऑल्सो फॉर अस टू नो द सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री यू नो उस दौर में जो हुआ उसकी वजह से उन लोगों की वजह से आज हम इतनी आज़ादी से इतनी खुशी से जी रहे हैं इस देश में सो आई एम वेरी एक्साइटेड थैंक यू